नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्टेट कॉमर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है ए अधिशेष, बी कमी, सी लाभ, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अधिशेष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति है ए दान, बी आजीवन सदस्यता शुल्क, सी चंदा, डी विनियोगों पर ब्याज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आजीवन सदस्यता शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या है 20, 10, 15, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंशलाभकारी संगठन नहीं है ए महाविद्यालय, बी सार्वजनिक कंपनी, सी अस्पताल, डी पुस्तकालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, त्याग का अनुपात निकालना पड़ता है ए साझेदार की मृत्यु पर, बी साझेदार के प्रवेश पर, सी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, डी साझेदारी के पुनर्गठन पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साझेदार के प्रवेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि के वहन को कहते हैं ए पुराने साझेदारगण, बी नए साझेदारगण, सी सभी साझेदारगण, डी अंशधारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुराने साझेदारगण। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए उनके पूंजी शेष पर किस पर ब्याज मिलना चाहिए, तो वह है ए 5%, बी 6%, सी बैंक दर, डी 9%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ, मृतक साझेदार के निष्पादन को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा 5%, 6%, 7%, 8%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, फर्म के विघटन पर बैंक अधिवर्ष को हस्तांतरित किया जाता है ए रोकड़ खाते में, बी बैंक खाते में, सी वसूली खाते में, डी साझेदार के पूंजी खाते में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वसूली खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाता के क्रेडिट बाकी के भुगतान किया जाता है ए साझेदारों को, बी फर्म को, सी पत्नी को, डी कोई को नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साझेदारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वसूली खाता है ए व्यक्तिगत खाता, बी नाम मात्र का खाता, सी वास्तविक खाता, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाम मात्र का खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसूली खाता के लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों के मध्य होता है ए लाभ विभाजन अनुपात में, बी पूंजी अनुपात में, सी वसूली खातों में, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाभ विभाजन अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म के समापन पर होने वाला व्यय को कहते हैं
ए वसूली व्यय, बी कानूनी व्यय, सी हानिगत व्यय, डी कोई व्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वसूली व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है ए बहुमत के आधार पर, बी 3/4 सदस्यों के निर्णय पर, सी 1/3 सदस्यों के निर्णय पर, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुमत के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारों के आरणों पर ब्याज कम किया जाता है ए साझेदारों के पूंजी खाता में, बी लाभ हानि खाता में, सी आहरण खाता में, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साझेदारों के पूंजी खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर साझेदार क्रेडिट खाते को हस्तांतरित करेंगे ए वसूली खातों में, बी साझेदार के ऋण खाते में, सी साझेदार के चालू खाते में, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, साझेदारों के आरणों पर ब्याज व्यय किया जाता है ए साझेदारों के पूंजी खाता पर, बी लाभ हानि खाता पर, सी आरण खाता पर, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साझेदारों के पूंजी खाता पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक चिट्ठे में दिखाए गए रोकड़ शेष को समापन के समय दिखाते हैं ए वसूली खाते में, बी रोकड़ खाता में, सी पूंजी खाता में, डी लाभ हानि खाता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोकड़ खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त पूंजी कंपनी है ए वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, बी प्राकृतिक व्यक्ति, सी सामान्य व्यक्ति, डी गैर निवासी भारतीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अंश आवंटन खाता है ए व्यक्तिगत खाता, बी वास्तविक खाता, सी नाम मात्र का खाता, डी लाभ हानि खाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक नई कंपनी अपने अंश का निर्गमन नहीं कर सकती है ए सब मूल्य पर, बी कटौती पर, सी प्रीमियम पर, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कटौती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सेबी द्वारा अधिकृत पूरे निर्गमन के विरुद्ध न्यूनतम अभिदान है ए 95%, बी 90%, सी 5%, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अंशों के प्रीमियम की अधिकतम सीमा है ए 10%, बी 20%, सी 5%, डी कोई सीमा नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका कोई सीमा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, समता अंशधारी होते हैं ए कंपनी के ग्राहक, बी कंपनी के स्वामी, सी कंपनी के लेनदार, डी बैंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंपनी के स्वामी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25, ऋण पत्रधारी हैं ए कंपनी के स्वामी, बी कंपनी के लेनदार, सी कंपनी के ग्राहक, डी बैंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंपनी के लेनदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, चालू संपत्ति नहीं है ए स्टॉक, बी देनदार, सी कार, डी सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार नहीं है, बाकी स्टॉक देनदार ये चालू संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन संचालन व्यय नहीं है ए विज्ञापन, बी वेतन, सी कर की बिक्री पर हानि, डी वितरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर की बिक्री पर हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 28, चालू दायित्व में सम्मिलित नहीं है, ए अदब दे, बी दे विपत्र, सी विविध लेनदार, डी ऋण पत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, ए आर्थिक चिट्ठा से, बी लाभ हानि खाते से, सी अतिरिक्त सूचनाओं से, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, नकद बिक्री है, ए परिचालन क्रियाएं, बी विनियोजन क्रियाएं, सी वित्तीय क्रियाएं, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिचालन क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रोकड़ बही प्रवाह नहीं है, ए देनदारों में वृद्धि, बी स्टॉक में वृद्धि, सी लेनदारों में वृद्धि, डी पूर्वदत्त व्यय में वृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेनदारों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ समतुल्य में सम्मिलित है, ए ट्रेजरी विपत्र, बी पर्याय विपत्र, सी अल्पकालीन बैंक जमा, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, ए लेखांकन मानक 3 से, बी लेखांकन मानक 6 से, सी लेखांकन मानक 9 से, डी लेखांकन मानक 12 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेखांकन मानक 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान है, ए पूंजीगत व्यय, बी आयगत व्यय, सी आय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आयगत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है, ए आय व्यय खाते में, बी आर्थिक चिट्ठा में, सी प्राप्ति और भुगतान खाते में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्थिक चिट्ठा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, फर्म के लिए साझेदार के आरण पर ब्याज है, ए व्यय, बी आय, सी हानि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, उतरती चढ़ती की विधि में साझेदार की पूंजी पर ब्याज नाम लिखा जाता है, ए साझेदारों के पूंजी खाते में, बी लाभ हानि खाता में, सी ब्याज खाते में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए साझेदारों के पूंजी खाते में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है, ए पुराने लाभ हानि अनुपात में, बी नए लाभ हानि अनुपात में, सी समान अनुपात में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुराने लाभ हानि खाते अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जब नया साझेदार ख्याति की रकम के लिए नकद देता है तो फर्म की बहियों में उस रकम को डेबिट करना चाहिए, ए ख्याति खाता में, बी रोकड़ खाता में, सी नए साझेदार के पूंजी खाता में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोकड़ खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, रोहित और मोहित 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, रोहिणी को साझेदार के रूप में अंश दिया गया तो 1/5 भाग पाते हैं, यदि रोहिणी 3/20 रोहित से ले और रोहन से
1/20 ले तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6, 10 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है ए ह्रास, बी हानि, सी लाभ, डी व्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है ए लाभ हानि समायोजन खाता में, बी संपत्ति खाता में, सी पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाभ हानि समायोजन खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचलित लाभ और हानि साझेदारों द्वारा बांटी जाती है उनके ए पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में, बी नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में, सी पूंजी अनुपात में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे ए बैंक खाता में, बी वसूली खाते में, सी साझेदारों के पूंजी खाते में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वसूली खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है ए केवल क्षमता अंश का, बी क्षमता अंश और पूर्वाधिकार अंश का, सी केवल पूर्वाधिकार अंश का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षमता अंश पूर्वाधिकार अंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश पूंजी की वास्तविक राशि है ए अधिकृत पूंजी, बी निर्गमित पूंजी, सी अविदत पूंजी, डी चुकता पूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चुकता पूंजी। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।